इधर ही जाएगी, इधर बैठो, इधर मजा आएगा। तुम उधर चिपक गए सीट से, कैसे मजा आएगा। और यहाँ के स्टेशन, हमारे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन होते हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। देखो स्नोफॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम आपको ट्रेन का टाइम टेबल दिखा देते हैं कि खड़े हैं, हमका सबका पीछे मंगा रहे थे ना पप्पू। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बनिहाल के खूबसूरत पहाड़ों में। अभी फिलहाल आपको पहाड़ नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज हम अभी यहाँ के एक खूबसूरत गवर्नमेंट कॉटेज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं रात में हमने यहाँ स्टे किया था। और मैं हूँ कंचन, मेरे साथ में है मेरी बड़ी सिस्टर और मेरा बच्चा, दीदी का लड़का है मेरा, नहीं मेरा भी बच्चा ही हुआ। आज हम जर्नी करने वाले हैं बनिहाल टू श्रीनगर ट्रेन से, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आर यू एक्साइटेड? Yes. थोड़ा मास्क निकाल के बोलो। टॉय ट्रेन। जिस गवर्नमेंट कॉटेज में हम लोग रुके हुए हैं, ये पूरा इधर से रूम ही बना हुआ है। हमारा रूम ये है, हम चलते हैं आपको अपने रूम का टूर दे देते हैं। सबसे पहले तो देखिए इधर सारे रूम है, हमारा रूम है इधर। चलते हैं अंदर। एंट्री करते ही सबसे पहले इधर है हमारा बेड जिस पे हम सोए थे। इधर हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है, इतना सारा लगेज लेके इस बार आए हैं यार, क्या बताएं। देखो इधर भी रखा हुआ है, इधर दो चेयर हैं, आराम से बैठ के चाय वाय पी सकते हैं। दो चेयर इधर और दी हुई हैं। और इधर सामने है मिरर जिसमें हम देख के मेकअप वेकअप कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो कवर्ड है इसमें एक ब्लैंकेट रखा हुआ था। और सबसे अच्छी चीज इस रूम की हम आपको बताते हैं, वो है ये इधर विंडो साइड, सामने इधर है विंडो और इधर से खोलो तो बढ़िया व्यू दिखता है, बट अभी मॉर्निंग में सुबह सुबह उतना अच्छा नहीं है। ये देखो मार्केट अभी सारी बंद है बाहर की, फिलहाल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसको बंद करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग लगी हुई है, ये पेंटिंग आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ की है। नहा लिए? बहुत ठंड लग रही है। तो हमारे लोग कोई भी नहाया नहीं है, सब ऐसे ही तैयार हो गए। अभी फिलहाल सारा लगेज वगेज हमने पैक कर लिया है। जिसमें हमने स्टे किया था ये हमको पड़ा था 600 का। यहाँ पे बनिहाल में दो गवर्नमेंट कॉटेज हैं, एक यहाँ पर है और एक थोड़ा नीचे है। और ये जो लोकेशन रोड है मेन जो, और इसके सामने देखिए वो ढाबा दिख रहा है, कैलाश पंजाबी ढाबा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में है। और बाहर से देखिए कितना अच्छा हुआ, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इतना बड़ा आपको ग्राउंड भी मिल जाएगा, आराम से आप खेल सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। जैसे कि हमारा बच्चा क्या दिखा रहे हैं, आइस। कहाँ आइस है? थोड़ी सी आइस को बोल रहा है, आइस है, आइस है। मम्मा कहाँ रह गई? मम्मा को बुलाओ, आ रही है। ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है? नहीं, इसने सुबह सुबह इतने सारे बिस्किट खा लिए कि इसको कुछ खाना ही नहीं। ब्रेकफास्ट करना है? ब्रेकफास्ट करना है नहीं। अरे भैया हमको भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। वो ढाबा खुला हुआ है। चलो आलू के पराठे मिल जाएंगे, तो सुबह सुबह आलू के पराठे और चाय लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। फिलहाल खा पी लिया हमने और अभी हमको जाना है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ये चल के जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। पिछली बार हम भी चल के गए थे, हमारी भी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए ये टैक्सी लगी हुई है, 15 रुपये पर पर्सन ले रहे, तो हम इसमें बैठ के जाएंगे। चलो बैठो। अभी फिलहाल हम ठुठुरते पहुंच गए हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन पे। ये सामने रहा बनिहाल रेलवे स्टेशन, बट अभी हमारी ट्रेन जो है वो है 10:30 बजे की। हमने सोचा था कि हम सुबह की सबसे पहली ट्रेन 7:30 बजे वाली से निकल जाएंगे और 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे श्रीनगर, बट हम सोते रह गए। ठंड इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं। देखो चारों तरफ पहाड़ों पे स्नो। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि जो बनिहाल का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग हो जाती है कि नहीं। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे टिकट का ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। जब आप आएंगे तो यहाँ पे टिकट काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आपको ट्रेन आने के आधे घंटे पहले टिकट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम आपको ट्रेन का टाइम टेबल दिखा देते हैं कि बनिहाल टू बारामूला कितनी ट्रेनें जाती हैं। पहले 9 ट्रेनें चलती थी टोटल, यहाँ पे इनका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अभी के टाइम पे जो ट्रेनें चलती हैं टोटल 5 ट्रेनें हैं। मॉर्निंग में 7:30 पे 7:30 बजे पहली ट्रेन जाती है बनिहाल टू बारामूला, उसके बाद 8:30 बजे जाती है, फिर 10:30 बजे, और इवनिंग में 2 ट्रेनें जाती हैं।
अभी के टाइम पे 5 ट्रेनें हैं। बनियाल से हम बैठेंगे तो काजी कुंड होते हुए हमारी ट्रेन बारामूला तक जाएगी। टोटल 16 स्टेशन है और हमको उतरना है श्रीनगर में 10 नंबर पे। तो यहाँ तक का हमारा किराया होगा 45 रुपये। इधर टिकट काउंटर है, सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बट अभी टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ। जब ओपन होगी तो हम टिकट्स लेंगे। तो आज हम जिस ट्रेन से जर्नी करने वाले हैं, बनिहाल टू श्रीनगर, ये ट्रेन जर्नी हमारी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में बैठने के बाद मानो ऐसा फील होता है जैसे कि हम यूएस या कनाडा की ट्रेन में बैठ के सफर कर रहे हो। ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना। ओए होए, ओए होए, हमको यही स्नोफॉल मिल गया। मजा आया वंस, देखो इसको ऐसे करके खा रहा है लड़का। नहीं क्यों? क्यों 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 भाई, इतनी ठंड लग रही कि मतलब मन कर रहा है कि सूट ही ना करे, हाथ वाथ एकदम फ्रीज हो रहे है। हमने ग्लव्स पहने हैं हाथ में, तो इस हाथ में हमने निकाल दिया है, इस हाथ में हमने पहन रखे, और वंस ने दोनों हाथ में पहन रखे। और अभी स्नोफॉल होने लग गई तो लड़का मुंह खोल के मुंह में खा रहा है। बेटा ये नुकसान करेगा। हाँ क्यों क्यों मत करो, चलो अंदर चलते, नहीं और ठंड लगेगी। तो अभी हमने टिकट ले ली है, पर पर्सन 45 रुपीस की एक टिकट पड़ी है। और अभी हम आ गए हैं स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। इधर पूरा हमारा लगेज रखा है। लगेज देख कैसा लग रहा है, कुछ कम है। कहाँ रख दिया आधा आधा बैग, कहाँ गया? क्या है इसमें कम दिख रहा है, कुछ और था ये अंदर आते ही बोल रहा है, वो देखो स्नो फॉल हुआ है, साइड साइड में स्नो लगी हुई है। वो जाने के लिए तैयार है, भाग रहा है। कहाँ है, चलना है वहाँ, चलो आप। नहीं उठाना, बस ग्लव्स गीले हो जाएंगे। देखो इसका एक्साइटमेंट लेवल, अरे गंदा है, बस उठाओ, हाथ ठंडे हो जाएंगे। आगे खड़े हैं, हमका सबका पीछे मंगा रहे हैं ना पप्पा। ट्रेन में आ गए अंदर, और बाहर इतनी ठंड लग रही थी, ट्रेन में काफी ज्यादा गर्म लग रहा है। और ये हमारे वहाँ के जैसे ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन बिल्कुल अलग है। देखो अभी तो खाली है, लेकिन अभी धीरे धीरे इतने सारे लोग आ जाएंगे ना, खड़े होने की भी जगह नहीं रहेगी। और इसको देखो विंडो पकड़ के बैठ गया। मजा, ट्रेन कैसा है यहाँ का? अलग है, थोड़ा मास्क उतार दो। एक्चुअली में ट्रेन इसलिए गर्म है क्योंकि इसमें हीटर चल रहा है। तो देखिए अगर मैं खोलियो जम जाएगा। बोल रहा है कि इतनी ठंड है कि मास्क निकालेंगे तो जम जाएगा फिर। तो अभी हमारी ट्रेन अपने राइट टाइम 10:30 से 3 मिनट लेट चल रही है, 10:33 हो चुका है। और अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है, तो अब तो मजा आएगा ना वंस। ये तो उधर पीछे जा रही, पीछे जा रही। हमने बोला था ना ट्रेन इधर ही जाएगी, इधर बैठो इधर मजा आएगा। तुम उधर चिपक गए सीट से, कैसे मजा आएगा। और यहाँ के स्टेशन, हमारे यहाँ के जो रेलवे स्टेशन होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं, चाय कॉफ़ी या कुछ भी नहीं ले सकते आप। वो देखो वो वहाँ, बाय 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 बनिहाल, बाय बाय, दोबारा इधर से नहीं आएंगे। क्यों क्यों? किधर से? दूसरी तरफ से आएंगे। किधर? दूसरी तरफ से, उधर से। तो देखो पूरी स्नो स्नो, पूरे पूरे इधर की गल में आगे, इधर तो पूरी ऊपर तक है। स्नो स्नो है, ऐसे ही स्नो ट्रेन का पहला हाल्ट है हिलर शाहबाद में। और इधर तो स्नो नहीं है, इधर साइड देखो कितनी ज्यादा स्नो, इसमें पूरा साइड साइड में। और वंस देख देख के बोल रहा है, ओ भाई साहब चलो उतरते हैं नीचे। चल दी, यहाँ पे ट्रेन का हाल्ट 60 सेकंड रहता है, एक मिनट भी नहीं रहता। काजी गुंड पहुंच चुके,
ये देखो ये वाली ट्रेन उधर से आ रही है, दो ही ट्रेन चलती है, एक उधर से आती है एक इधर से जाती है। दीदी बोल रही वाह, वेलकम टू श्रीनगर। और अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, पौने दो घंटे लगे हमको आने में। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जितने भी स्टेशन हैं हर जगह इतनी ज़्यादा क्लीन, मतलब साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि स्टेशन पे कुछ बिकता ही नहीं तो लोग खरीदेंगे और खाएंगे क्या, जब खाएंगे ही नहीं तो सफाई तो रहेगी। फिलहाल आगे सामने वाला व्यू देखिए क्या गजब शानदार है, मस्त है वंश। फाइनली डल लेक पहुंच गए, अभी हम सिकारा में बैठे हुए हैं, हमने हाउस बोट ले लिया है तो हम जा रहे हैं हाउस बोट में। सामने इतने सारे हाउस बोट दिख रहे हैं और हमारे वंश जो कि इधर बैठे हैं, अभी हम वहां खड़े थे तो बोल रहे थे कि कूद के नहा लें मौसी, पानी अच्छा दिख रहा है। आप कह रहे हैं डल लग रहा है, इधर देखो जरा, इधर मुँह करो, शक्ल देखो। अभी हम लोग चल रहे नहा वहा लेते, फ्रेश व्रेश हो जाते, फिर अपने हाउस बोट का टूर देंगे आपको। तब तक इंतजार करिए, इंतजार की खड़ी सिर्फ दो मिनट में खत्म हो जाएगी।